हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। अभी हम लोग लोहागरा मार्केट में हैं। यहाँ से बहादुरगंज से निकल के अभी लोहागरा आए। जो लोहागरा है ना, ये यहाँ पे लोहा के लिए बहुत फेमस है। ये देखिए, जहाँ पे भी देख रहे हैं सब लोहा का सामान बिक रहा है, ठीक है। और जानवर के लिए बहुत फेमस है ये। एक्सपोर्ट के लिए हमारे यहाँ का जो लोकल सीमांचल का है ना, ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा जगह है। यहाँ से जितना भी जो एग्रीकल्चर जो हमारे किसान जो उपजाऊ करते हैं, वो यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत होता है। यहाँ से सिलीगुड़ी, पूर्णिया और बाकी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है ना, यहाँ से जो है लोकल किसानों से लेकर के फिर उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं बागडोगरा, और आपको बागडोगरा जाने में हम लोग को चाय पत्ती का बगान भी मिलेगा। हम लोग आपको चाय पत्ती का बगान भी दिखाएंगे और देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग जो है ये हाईवे में। ये हाईवे का नाम क्या है? NH 30 बोलो ना। NH 31 ये हाईवे का नाम है। इधर से हम लोग जा रहे हैं बागडोगरा बहादुरगंज से, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा जो है व्यूज़ मिलेगा चाय पत्ती का बगान का। ये वो हाईवे से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली है। हाँ, ये वो हाईवे जो एक राज्य से दो राज्य को जोड़ता है, बिहार को बंगाल से जोड़ता है, और यहाँ से नेपाल जाने के लिए भी ये मतलब अक्सर यूज होता है। और ये देखिए, यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पे चढ़ा दिया? पुल पे चढ़ा दिया है भाई साहब। ये देखो, पुल पे चढ़ा दिया है इसने। ये सब ड्रंक ड्राइवर जो होते हैं ना, ये ऐसा इनका ड्रंक ड्राइवर जो है ऐसा करते हैं। हाँ, आराम से हाईवे से नीचे से उतर गए हैं। ये आगे जो है ये है टोल टैक्स गेट है। पैसा बचाने के लिए जो अलग रूटे, तो हम लोग वो रुक करने के लिए है। बांस वास का ये झाड़ आ गया है। टोल टैक्स बचाने के लिए वही आगे। वहाँ से अगर आपका करीबी अगर लोकल रास्ता है ना, वहाँ से आप कट मारेंगे टोल गेट के आगे चलेंगे तो आपका टोल टैक्स बच जाएगा। देखिए, ये हाईवे है। इधर पे जो है ये हाईवे है, और ये जो है ये टोल टैक्स है। अरे तुरंत आधार कार्ड मांग लेनी। ये टोल टैक्स पीछे चला गया। अभी हम लोग आगे निकल गए हैं, टैक्स बच गया है। ये टोल बचाने का वो रास्ता है, समझे भाई? टोल टैक्स बचाने का रास्ता है वो। और ये जो है हाईवे का व्यूज़ है भाई, देख लीजिए। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, गर्मी का मौसम हो चुका है। आपको बताया था कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से अभी बकरी एक्सपोर्ट हो रहा है। ये बहुत पीछे चला गया, ये जो टेम्पू आ रहा है इसमें पूरा बकरी लोड किया हुआ है। अगर ये आगे आता है तो हम आपको सारी बकरियाँ दिखाएंगे कि इनके पास कितनी बकरियाँ हैं, ये लोड करके लेके जा रहे हैं। इधर से लकड़ी भी लोड होके कहीं जा रही है। लगता है हमारी गाड़ी जो है इतनी तेज है कि अब हम इसको दिखा नहीं सकेंगे आप लोगों को, नहीं तो दिखा दें कितनी बहुत सारी उसमें बकरियाँ लोड है। ये देखिए कितना बड़ा पुल है।
लिए कुछ लोग हैं भाई, अपने घर जा रहे हैं। और ये पुराना, ये हाईवे का पुराना वो दिख रहा है आपको उधर वाला, वो पुराना पुल है गंगा वाला ना, उधर रोटा वाला ना। ये देखिए कितना बड़ा नदी है, ये ऑलमोस्ट पुर गया है ये नदी। बरसात के टाइम में ये अपना अवतार ले लेते हैं बिल्कुल विलन के जैसा, अभी हीरो के जैसा चुपचाप बह रहा है ना, ये बरसात में ये विलन हो जाएगा ये यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा बरसात में। और ये यहाँ पे जो है बालू का जो है खुदाई भी चालू है, बालू का खुदाई। और ये जो अख्तरुल ईमान जो रेलवे चिल्ला रहे थे, ये रेलवे निकलने वाला है इसे ऑलमोस्ट नेपाल के बॉर्डर के तरफ से जो है, ये नेपाल का मतलब हम लोग का जो बॉर्डर रहेगा ना, ये लास्ट रेलवे रहेगा, ये अभी बन रहा है। इधर से ऐसा जाएगा ये कोचा दामन होते हुए अररिया जाएगा ये। हाँ ये मतलब लोकल स्टेशन के लिए। ये देखिए रेलवे का जो है अभी काम चालू है। और ये पवाखाली चौक है, चौक में देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, सब कुछ डेवलप है, डेवलप एरिया है। पवाखाली नाम है यहाँ का, अजब अजब नाम है भाई, पवाखाली कुछ दामन पता नहीं क्या क्या नाम है, बहादुरगंज। और ये आपको यहाँ पे शायद रेलवे स्टेशन भी हो सकता है यहाँ पवाखाली का, जिस हिसाब से बगल में लगता हुआ ये रेलवे का जो है जा रहा है। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ना, इधर पे अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि ये रेलवे की लाइन जा रही है। उधर पे आपको जो दिख रहा है ये रेलवे की लाइन जा रही है न्यू लोकल ट्रेन के लिए। रेलवे लाइन ये जो है रेलवे का जो आपको मैं बता रहा था, अभी हम लोग करीब में बिल्कुल आ गए हैं। तो ये रेलवे निकल रही है, यह यहाँ से जो है अररिया के तरफ से होकर के जाएगा, मतलब ये शायद बाद में जाके ये नेशनल रेलवे लाइन भी हो सकता है। बाकी तो अभी तक जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि ये लोकल के लिए बना रहा है बिहार गवर्नमेंट, नीतीश गवर्नमेंट ने जो है इसको पास किया था। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, कम से कम रेलवे के माध्यम से गांव-गांव को जोड़े, छोटे छोटे जो है जो सिटी जो डेवलप हो रहे जो एरिया उन एरियाज को ये जो है जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ से जो है भैंसों का भी यहाँ पे करीब में बहुत अच्छा मार्केट है, ठीक है। ये देखिए रेलवे का ये देखिए जो है रेलवे का जो आपको मैंने बताया था कितना अच्छा, तो हम दिल्ली में देखिए केले का भी खेती होता है। और इधर पे देख रहे हैं आपको ये जो है पाइन एप्पल का जो है वहाँ पे खेती हुआ है, पाइन एप्पल सब लगा हुआ है वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ईटे का जो है भाटा है, ये अभी हम लोग बिहार में कि बंगाल आ गए, अभी ये बिहार में ही है। और यहाँ पे जो है ईटा का जो है भाटा बहुत है ये चारों तरफ। इधर देखिए यहाँ पे दो ईटा का भाटा है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी। ये देखिए कितना बहुत सारा ईटा का भाटा है। और ये ईटा का भाटा है ना, बिहार में इतना ईटा का भाटा है फिर भी जो है आपको यहाँ पे ईटा महंगा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ना एक्सपोर्ट हो जाता है वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ से नज़दीक है, और जितना भी है ना ईटा जो है एक नंबर ईटा एक्सपोर्ट हो जाता है, और कुछ जो ईटा बचते हैं उनको एक्चुअली वहाँ पे अच्छा कॉस्ट मिल जाता है, जिसकी वजह से ईटा एक्सपोर्ट हो जाता है, और जो यहाँ पे बिहार के जो निवासी उनको ईटा जो है महंगा मिलता है। जो गवर्नमेंट ने जो ये किया है, मतलब उसको जो लिमिट लगाया कि एक नंबर ईटे का इतना रेट, एक नंबर
दो नंबर का, उससे कम से कम कहीं ना कहीं डबल पैसा वसूला जाता है। 6,000 रुपये एक नंबर ईटा का 1,000 का है तो कम से कम उसको 10,000 पे करना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि केले का खेती बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। वो रेलवे का जो आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, वो पुल बनाया है रेलवे के लिए, रेलवे क्रॉस, रेलवे में मतलब नदी है बीच में क्रॉस करने के लिए। और यह हाईवे का काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है इधर पे, बड़ी बड़ी जो है मशीनें लगी हुई हैं काम के लिए, बहुत तेज़ी से चल रहा है। बिहार गवर्नमेंट ऑन विकास, विकास के रास्ते पे चल रहा है भाई, आज यकीन हो गया कि हाँ विकास मतलब हो रहा है। और ये क्रॉस करने के बाद जो किशनगंज के पास महानंद आता है ना, ये हम लोग को ये NH-31 भी क्रॉस करने में ये नदी आती है। देखिए कितनी बड़ी नदी है ये, तो यहाँ पे आपको बरसात नहीं है तो जिस हिसाब से बिल्कुल छोटी दिख रही है आपको, ठीक है। और ये साइड में से जो है रेतें निकाली जा रही है, आप देख रहे हैं ये जो धुआं उठ रहा है यहाँ से, मतलब ये सब रेत जो है निकाल करके जो रेलवे जो बन रहे हैं ना उसमें जो है ये सब मट्टी जो है उसमें डाल रहे हैं। ये देखिए यहाँ का जो है खेती भी कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ये हाईवे लोकेशन भी कितना मस्त लग रहा है आपको हाईवे का। मैं बैक सीट पे बैठा हूँ बिल्कुल पीछे साइड में, तो पीछे का ही व्यू आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा पा रहा हूँ। और ये आगे का व्यूज़ है, मंगली हाट आ गया है ये ऑलमोस्ट हम लोग बिहार के बॉर्डर में है वेस्ट बंगाल जाने के लिए। और ये सब जो छोटी छोटी नदियाँ दिख रही है आपको, ये सब जाके जो है मांदी नदी में जाके मिलता है और आगे जाके बहुत बड़ा ये बड़ा विस्तार रूप ले लेता है। ये देखिए ये हाईवे का इधर पे भी काम जो है उसका इक्विपमेंट्स जो भी मटेरियल लगने वाला है सब पड़ा हुआ है। ये देखिए अब आगे हम लोग जब जाएंगे तो आपको चाय का बगान जो है देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत चाय का बगान। तो आपको बगान में अगर कहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं फूल के बगान से भी ज़्यादा अच्छा लगता है चाय का बगान। ये सब केले का बगान है यहाँ पे, जो हम लोग के यहाँ पे जितने भी केले, हाजीपुरी किला जो होता है ना वो सब यहीं से जाता है। और आपको आगे जाके मैं चाय का भी बगान दिखाने वाला हूँ। ये देखो जो है यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी जो है मशीनें लगी हुई है हाईवे को बनाने के लिए, NH-31 ये सब जो है। और ये यहाँ पे जो है ये मटेरियल वगैरह डाला जाता है इसके लिए, जो कितना बड़ा बूम मशीन लगाया हुआ है, इसमें से जो है मशीन में डालेगा और ये पंप करके कंक्रीट सारा उसमें गिरेगा। ये आपको उधर पे दिख रहा है पाइन एप्पल का जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल पका पका हुआ पाइन एप्पल। ये देखिए ये यहाँ पे जो है गाड़ी बहुत तेज हो गई है, इधर पे पाइन एप्पल का जो है पूरा वो है खेती हो रही है। और ये आपको जो है चाय पत्ती का जो ये बगान है थोड़ा सा ये देखने को मिला है। आगे जो है और भी ये देखिए चाय पत्ती जो होता है ना वो मतलब मॉइस्चर जगह पे होता है, जिसको जैसे पेड़ लगाया गया है, ये पेड़ लगाने से नीचे जो है ना मॉइस्चर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से चाय पत्तियाँ अच्छी होती है। और चाय पत्ती का जहाँ पे भी बगान रहेगा ना आपको उसके आसपास में ना बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, उस पेड़ रहने से ये बेनिफिट है कि वहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी और उससे जो है आपका चाय पत्ती का फसल अच्छा होएगा। ये देखिए यहाँ पे बगल में सिर्फ चाय पत्तियाँ ही है इधर पे। ये देखो अपने अपने घर में जो घर के पास में भी है लोगों ने चाय पत्ती लगाया, यहाँ पे गार्डनिंग हुआ है चाय पत्ती का, जहाँ पे हम लोग जैसे अपने उधर पे बारी लगाते हैं ना मतलब बाहर लहसुन प्याज वगैरह मिर्ची, यहाँ पे जो है चाय की जो है खेती बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। और ये जगह जो है हम लोग अभी पीछे ही हैं
ठाकुरगंज से अभी हम लोग 4-5 किलोमीटर अंदर ही हैं, और ये बिहार में ही जो है चाय पत्ती का जो है वो होता है, खेती होता है, वो इसी इलाके में होता है, बिहार के इस इलाके में ही। ये जो एक अकेला इलाका है जहाँ पे जो है बिहार में किशनगंज में वो भी ठाकुरगंज के तरफ जो है यहाँ पे जो है चाय पत्ती का खेती होता है। पीछे देखेंगे तो आप अगर दिख रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा उधर पे जो है चाय पत्ती का खेती होता है। और हम लोग ये जो है ठाकुरगंज आ गए हैं, ये ठाकुरगंज मतलब विधानसभा है, जो यहाँ से जो है मौलाना असरारुल हक का बेटा जो है वो RJD से MLA है। ये देखिए ये देखिए कितना अच्छा जो है चाय का बगान है। गाड़ी हमारी इतनी तेज़ चल रही कि आपको हम दिखा नहीं सकते इतना अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत लगता है चाय का बगान। और इधर पे जो है पाइन एप्पल, देखिए पाइन एप्पल लगाया हुआ है, अभी इसमें पाइन एप्पल आया नहीं है, सीजन में जब पाइन एप्पल आएगा यहीं से जो है पाइन एप्पल निकल के आपके मार्केट में जो है आपके घर के पास जो है इधर ही से जो है पाइन एप्पल एक्सपोर्ट होते हैं। यही जो है कोचा दामन जाने वाला है, यही लोकल ट्रेन है, जब कोचा दामन में स्टेशन बनेगा तो यही ट्रेन से जो है आप एयरफोर्स से तो बने। ये देखो भाई इधर पे जो है पाइन एप्पल का जो है कितनी बड़ी तादादी में यहाँ पे खेती हो रही है। और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये सब घेरा हुआ बड़ा बड़ा बड़ा, उधर पे भी जो है पाइन एप्पल जो है हो रहा है। अभी हम लोग ये जो है बंगाल जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये चेक पोस्ट है वो तो हम भी एयरपोर्ट पहुँचेगा। हाँ ये देखिए एक पाइन एप्पल है, अनानास जिसको आप लोग बोलते हैं, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग जो है इसको अलग अलग। और ये सामने जो आपको चाय पत्ती का बगान भी है, पानी छिड़क रहा है इसमें। ये देखिए इधर पे भी चाय का बगान कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, ये सब बिहार में होता है यहाँ पे। यहाँ से बहुत ही नज़दीक जो है आपका दार्जिलिंग वगैरह जो है यहाँ से नज़दीक है। ये देखिए कितना बड़ा उधर दूर दूर तक बगाने हैं इसके। और ये हम लोग जो है बिहार बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, ये अभी हम लोग नाउ वी आर इंटरिंग बंगाल। और ये देखिए वापस से चाय का जो है बगान है, कितना खूबसूरत ये देखो ये बाम्बू जा रहा है, जहाँ पे बाम्बू का उपजाई नहीं होता है ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है सब बाम्बू। पीछे भी आपको दिखाया था, ये देखिए ऑफिस से कितना बड़ा जो है चाय पत्ती का बगान। फिर अभी बजा हुआ इधर, स्पेशली अगर इसका ब्लॉग बनाने के लिए आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं तो स्पेशली आपको दिखाता मैं चाय का बगान कैसा होता है। चाय का बगान में जो है ये पेड़ कंपलसरी है, अगर ये पेड़ नहीं होगा डायरेक्ट अगर सन का अगर लाइट पड़ेगा ना पेड़ पे इस पे आपके चाय पत्ती में तो वो ख़राब हो जाता है, और थोड़ा ह्यूमिडिटी मतलब ये होना चाहिए, नमी होना चाहिए जिसको जैसे जो पेड़ वेड़ रहता है तो जिससे नमी रहती है ज़मीनों में छांव के वजह से, कभी धूप कभी छांव जिसकी वजह से वहाँ पे जो है मॉइस्चर रहने की वजह से जो है चाय का बगान अच्छा रहता है। ये देखिए उधर पे पानी का जो है फुवारा डाला जा रहा है। ये यहाँ से चलेंगे तो ये देखिए फिर पाइन एप्पल की यहाँ पे खेती पे छोटा सा जो है लगाया हुआ है, ये भी चाय पत्ती है। ये देखिए चाय का बगान नेपाल, इधर पे भी वापस से चाय का बगान। ये वेस्ट बंगाल का जो है लोकल रोड है, अभी हम लोग हाईवे से जो है NH 31
NH32 अभी जाएंगे। ये दोनों हाईवे के बीच में जो है ये रास्ता है, वेस्ट बंगाल का मार्केट है ये। मंदिर है ये, अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में है। चाय पत्ती का जो है बगान दिखा रही है, देखिए कितना अच्छा है। दोनों तरफ जो है चाय पत्ती का बगान है रोड के पास में। पेड़ भी लगे हुए हैं ये कुछ इसका ही मतलब सब्जी उब्जी का ही पेड़ हो, सजीना वजीना रहता है ना उसी का पेड़ होगा ये। ये देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, सॉन्ग वॉन्ग शूट करने के लिए बहुत अच्छा है ये। ये भी जो है चाय पत्ती का ही है, पेड़ नया लगाया है, इसको जो है इसका कटिंग किया है। कटिंग होने के बाद जब इसमें से लीव्स निकलेंगे, जब इसका शाखाएं निकलेंगे तो ज़्यादा जो है पत्ते निकलेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, ये देखिए ये देखिए। ये देखिए इतना खूबसूरत है ये वेस्ट बंगाल में भी। हम लोग ये देखिए ये रोड के दोनों तरफ, और उधर पे आपको अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल उधर, वो जो है पत्तियाँ जो है तोड़ रहा है इसमें से। ये जो अभी है ये सब रेडी है, और ये जो आपको सामने दिख रहा है अभी ये सब जो है इसका कटिंग हुआ है। ये अभी कुछ दिनों के बाद जो है इसमें से लीव्स निकलेंगे। और ये जो दूसरा साइड जो है ये तोड़ने के लिए मतलब ऑलमोस्ट चाय पत्ती जो है इसमें लीव्स रेडी हो गई है। ये देखिए कितना मस्त जो है लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। ये देखिए यहाँ पे जो है बांस वगैरह भी देखेंगे ना, बहुत ही मोटे मोटे बांस जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए चाय का बगान कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो आपको पेड़ के ऊपर जो ये दिख रहा है मार्किंग दिख रहा है, ये मार्किंग इसलिए है कि इससे ज़्यादा बड़ा जो है इसका चाय पत्ती का पेड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है उसमें पत्तियाँ ज़्यादा नहीं होती है। ये भाई जहाज इधर ये देखो भाई बागडोगरा के एयरपोर्ट के पास में ही जो है कितना बड़ा चाय पत्ती का बगान है, और व्यू कितना मस्त है यहाँ का। आप लोग को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये देखिए कितना अच्छा व्यूज है, नेचुरल व्यूज है ये सब। अंदर आने के लिए पार्किंग और टोल समझिए, ठीक है। बागडोगरा एयरपोर्ट है ये।
ये बागडोगरा का पार्किंग है इधर। रेस पकड़ा रहे हैं। किसी ने जितनी मार। आज देखा होते हैं। अंदर पूरा पत्ती। देखिए घूमो। अंदर गोपुर का मैदान जा। ये जो है यहाँ का बागडोगरा का पुलिस है, वो भी देख लीजिए, बिल्कुल सज धज के खड़े हुए हैं। गाड़ी जो है अभी हम लोग को पार्किंग करना है। ये कितना बड़ा पार्किंग जोन है। बागडोगरा एयरपोर्ट, ये वेस्ट बंगाल का जो है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ये बिहार के बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। ऑलमोस्ट 50-50 किलोमीटर दूर है यहाँ से बिहार किशनगंज। ये बॉर्डर में तो बिहार के लोगों को बहुत इजी होता है यहाँ से बाय प्लेन सफ़र करने के लिए। बाकी ये जो है स्पेशली जो एयरपोर्ट है ये एक्चुअली एयरफोर्स के लिए है। ये जो बनाया गया था एयरफोर्स के मतलब एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, देखते हुए मद्देनजर देखते हुए अभी डोमेस्टिक यहाँ पे चालू कर देगी आम जनता जो यहाँ पे इसे सफ़र करती है। अच्छा, तो जो जो पहले था सिस्टम वो सिस्टम चेंज हो चुका है। यात्री के साथ आने वालों को नहीं जाने दिया जाता है ना, यात्री के साथ आने वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। अंदर अंदर अच्छा, नहीं। अच्छा, ये बंद हो चुका है आज से करीबन 5-6 साल पहले वो चेंज हो चुका है। जो कोई भी अपना जो मतलब बंदा सफ़र कर रहा है तो अंदर तक पहले छोड़ने के लिए चले जाते थे, कुछ टिकट लगता था, लेकिन अब जो है अब ऐसा नहीं है, वो क्लोज कर दिया गया। हम लोग बाकी सब लोग जो है इधर ही खड़े उनको छोड़ने के लिए आए थे, और ये भी दुकान का बांध जो है छोड़ने के लिए आए थे। थैंक यू। और बाकी आपको रास्ते में दिखाएंगे। और ये देखो सबसे बदमाश, सबसे बड़ा बदमाश भी लेके आए हम लोग यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बदमाश। और ये जो है आपको बैक कैमरा से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये व्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये ऐसा ये साइड में जो है अराइवल है और सबसे लास्ट में जो है डिपार्चर है, अंदर से डिपार्चर है और यहाँ से अराइवल है। ये देखिए सब पब्लिक आ रही है अच्छा खासा, मतलब यहाँ मतलब बंगाल में वन ऑफ द बिजिएस्ट सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे आदमी लोग दार्जिलिंग वार्जिलिंग जाने के लिए बहुत ही ईजी है। दार्जिलिंग मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर दूर यहाँ से दार्जिलिंग है। तो जो भी आउट ऑफ इंडिया से इवन यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, और मुंबई वगैरह से ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ पे जो है घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। चलो थैंक यू, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। चलो निकलते हैं और बाकी का जो है आपको हम दिखाएँगे। ये जो है ऐसा ही व्यूज़ जो है, ये एग्ज़िट व्यूज़ है, एग्ज़िट है यहाँ से। और ये जो हमारे ड्राइवर साहब हैं,